दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हमारी दुनिया बस मोबाइलों के आसपास ही सिमट कर रह गई है कि मोबाइल का ये नया प्रोसेसर आने वाला है, मोबाइल की ये नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, मोबाइल की ये नई एप्लीकेशन आने वाली है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी सी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, वो आपके दांतों में भी घुस चुकी है। आपके अब स्मार्ट टीथ भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द। दरअसल यूएस के मैसाचुसेट्स के अंदर ट्रफ्ट नाम की एक यूनिवर्सिटी है जिनके रिसर्चर्स ने खास तरीके की चिप डिज़ाइन करी है जो कि दांतों में लगाई जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। 2x2 mm की ये चिप होगी जो कि दांतों में कुछ इस तरीके से लग जाएगी और इसको टाइनी टीथ सेंसर भी कहा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए होगी जिनको चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल। हालांकि कोई भी अपने फ्रंट के दांतों पे तो नहीं लगवाना चाहेगा इसको, जिससे कि थोड़ा बहुत उनकी शो खराब हो सकती है फेस की। तो हाँ, साइडों के दांतों में या दांतों के पीछे इसको लगाया जा सकता है, जिससे कि वो ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। अब आप कहोगे, यार ये क्या मतलब हुआ, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं? सामने तो देख के खा रहे हैं कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन आपको उनके मैक्रोज नहीं पता कि क्या क्या उसमें है, कितना कार्ब्स था, कितना प्रोटीन था, कितना फैट था, कितना सॉल्ट था, कितना शुगर था, कितना अल्कोहल आपने कंज्यूम कर रखा है। तो उस सारी चीज़ों का इससे पता लगाया जा सकता है और वो भी इंस्टेंटली। दरअसल ये एक बायोसेंसर है जो कि पावर की ज़रूरत रहती नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके मोबाइल के सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। और इसको 2018 से ये इस पर रिसर्च कर रहे थे जो कि अब फाइनली इन्होंने सारी दुनिया के सामने अनवील कर दिया है। तो अब वो लोग जिनको चाहिए थोड़ा सा हेल्दियर लाइफस्टाइल, तो वो इसको अपने दांतों के पीछे लगवा सकते हैं और ये बिल्कुल फिक्स रह जाएगी। दांत उखड़ जाएगा लेकिन ये दांत से नहीं हटेगी, कुछ इस तरीके का सिस्टम ये यूज करते हैं इसके अंदर और बस इसके सहारे वो पता लगा सकते हैं अपनी मैक्रोस। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि घड़ी वड़ी पहनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और जब बात आती है फिटनेस बैंड की और कई सारी स्मार्ट वॉचेज होती है जिसके अंदर आपको पता लग सकता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, आपके हार्ट रेट कितनी चल रही है, बीपी कितना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल सकती हैं उससे, लेकिन बंदे पहनना नहीं चाहते। तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव कुछ इस तरीके का है कि यूएस की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने एक स्मार्ट शर्ट तैयार करी है जो कि टी शर्ट भी हो सकती है, जिसके अंदर आपको हार्ट की मॉनिटरिंग पता लग सकती है कि हार्ट की कंडीशन क्या चल रही है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, वो सिर्फ उस टी शर्ट को या फिर शर्ट को पहन के ही पता लग सकती है, जो ये कंपनी क्लेम करती है कि भैया इससे आपको, जिनको भी रिस्ट बैंड पहनने की आदत नहीं है, वो इसको पहन सकते हो। यहाँ पर राइस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक चीज़ बनाई थी जिसको कंडक्टिव कार्बन नैनो ट्यूब फाइबर कहा जाता है, तो उन फाइबर का यूज़ करके इस टी शर्ट को तैयार किया गया है और इससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या चल रही है। मान लो आप जॉगिंग पे जा रहे हो, आप जिम में जा रहे हो, तो उससे आपको अपने मोबाइल पे ये सारी चीज़ें पता लग सकती है। हालांकि इनका कहना है कि अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी बाकी है, जिससे कि और भी कई सारे फीचर जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो पता लगाए जा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आपने सुना होगा एक ऐसा फुटपाथ भी है जो कि लोगों के चलने से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें शायद घर की फ्लोरिंग पर भी लगाई जा सकती है, जो कि पेंजारा का कहना है, एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की जिन्होंने एक खास तरीके की फ्लोरिंग बनाई है जिसके ऊपर मतलब आप अपनी फ्लोरिंग लगा सकते हो, चाहे वुडन फ्लोरिंग लगाओ, चाहे मार्बल फ्लोरिंग लगाओ, जो भी लगाना है, लेकिन नीचे जो डिवाइस लगेगा ना वो बस लगवाना होगा, जिसके बाद में आप जिस भी फ्लोर पर चलोगे उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो यूरोप में फुटपाथ यूज़ किए जाते हैं, जो कि यूरोप में फुटपाथ लगाए जाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, हालांकि वहाँ भी प्रोटोटाइप के तौर पर ही चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारी जगह पर बिछा दिया है, लेकिन उनसे करीबन 80 गुना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, वो भी घर के घर में। सो बेसिकली अगर ये घर के घर में ऐसे काम कर सकता है, तो अगर इंडिया के रोडों पर इसको लगा दिया जाए तो यहाँ तो देखो पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों, आपको मालूम ही चल गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे इंडियन रेलवे यूज़ करने वाला है, जिससे कि हर एक बंदे का एक अलग ही नाम, हाइट वाइट सब पता लग सकती है उससे, क्योंकि ऐसे सीसीटीवी कैमरे चाइना के अंदर भी चलते हैं और रशियन कंपनी इसको बना रही है, वो सभी आपको खैर मालूम चल गया होगा। लेकिन यहीं पर इंडियन रेलवे अब रोबोट्स का भी यूज़ करने वाली है जो कि डिसइंफेक्ट कर सकती है पूरी की पूरी ट्रेन को। यहाँ पर यूवी लाइट छोड़ते हुए ये रोबोट्स आगे बढ़ेंगे, हालांकि इनको शायद रिमोट कंट्रोल से ही कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन ठीक है, मान लिया यूवी रेस से ये बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह डिसइंफेक्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन क्या ये लाइटें हर जगह जा सकती है? क्योंकि सूरज की भी रोशनी हर जगह नहीं जा सकती, थोड़ी बहुत शेडो तो इधर उधर पड़ी रहती है, तो सीट के हैंडल के नीचे
सीट के नीचे और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर शैडो रहेगी, क्या वहाँ से डिसइनफेक्ट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।